हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्लेस। ज्ञान प्लेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जोड़ देखें। इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को आप लोग पहले खुद से ट्राई करें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजगीर के मकर मेला को राजकीय मेला का दर्जा कब प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 2019। 5 मार्च 2019 को राजगीर के मकर मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार के दूसरे खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा। बिहार के दूसरे खुले में शौच मुक्त जिला जो है वो शेखपुरा है और पहला जिला है सीतामढ़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन का नाम विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11%। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय में जो है 11% की वृद्धि दर्ज की गई। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल इंडिया डबल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार सरकार ने प्रेरणा योजना की शुरुआत की है, किस लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए और सी, दोनों सही है। कम अंतराल पर बच्चे के जन्म को रोकने के लिए और बाल विवाह को कम करने के लिए जो है प्रेरणा योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, मोना दास को अमेरिका के वाशिंगटन राज्य का सीनेटर बनाया गया है, ये बिहार के किस जिले की निवासी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। मोना दास जो है मुंगेर के मूलतः निवासी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कितने वर्ष पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 वर्ष। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को जो है प्रतिबंध कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, सूखाग्रस्त किसानों को कितने रुपए का अनुदान बिहार बजट 2019-20 में दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1420 करोड़। जो है सूखाग्रस्त किसानों को अनुदान के रूप में बिहार बजट 2019-20 में आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार बजट 2019-20 में जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए राशि अनुदान प्रति किसान 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8,000 रुपया। 6,000 रुपये से बढ़ा के 8,000 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, 2019-20 में बिहार का राजकोषीय घाटा स्टेट GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.81%। 2019-20 में बिहार का राजकोषीय घाटा जो है स्टेट GDP का 2.81% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, कृषि क्षेत्र के लिए बिहार बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2598 करोड़ रुपये। किसी क्षेत्र के लिए जो है बिहार बजट में 2598 करोड़ रुपया जो है आवंटित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार बजट 2019-20 में निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा विभाग। बिहार बजट 2019-20 में शिक्षा विभाग पर जो है सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किया गया है, यानी कुल बजट का 20.31% जो है शिक्षा विभाग के लिए व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार की कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4900 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार द्वारा बिहार की कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के लिए जो है 4900 करोड़ रुपये की राशि की जो है मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्च 2019 में 15 दिवसीय बिहार उत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। 16 से 31 मार्च 2019 के बीच जो है 15 दिवसीय बिहार उत्सव 2019 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया, और इसका थीम जो था पर्यटन, परंपरा, कला एवं संस्कृति तथा बिहार का मनोरम माहौल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, पुस्तक धुंध से निकलती राहें के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र नारायण पांडे। पुस्तक धुंध से निकलती राहें के लेखक हैं जैनेन्द्र नारायण पांडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, भगवान लाल साहनी ने 1 मार्च 2019 को कौन से आयोग का अध्यक्ष के रूप में जो है पद संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत योजना के तहत सभी विद्यालयों में किस अवधि के लिए जो है कचरा उत्सव मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 से 5 जुलाई 2019 के बीच जो है स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत योजना के तहत जो है सभी विद्यालयों में कचरा उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर एकलव्य खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र खेल परिसर। पाटलिपुत्र खेल परिसर में जो है एकलव्य खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में कौन सा जिला अव्वल रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जमुई। बिहार के जमुई जिला जो है आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में जो है अव्वल जिला रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में फूड एग्रो पार्क खोलने को जो है मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में फूड एग्रो पार्क खोलने को जो है मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार के किस जिले में मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट खोलने को मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट खोलने को जो है मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, पुस्तक हु स्टोल माई जॉब के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुनील मिश्रा। पुस्तक हु स्टोल माई जॉब के लेखक हैं सुनील मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह बिहार के किस जिले में सूर्य मंदिर का जो है निर्माण किया गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह जो है बिहार के पटना जिले में सूर्य मंदिर का जो है निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, किस योजना के अंतर्गत हाल ही में बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में इको क्लब का जो है गठन किया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ग्रीन कोर। नेशनल ग्रीन कोर योजना के अंतर्गत जो है बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में इको क्लब का जो है गठन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस बिहारी को महात्मा गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर प्रसाद सिंह। सुधाकर प्रसाद सिंह को महात्मा गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, हेल्थ इंडेक्स 2019 में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22वां। हेल्थ इंडेक्स 2019 में बिहार का 22वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार के किस स्थान पर खरीफ महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। बिहार के मुंगेर में खरीफ महोत्सव 2019 का जो है आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार के किस जिले में एक प्राथमिक विद्यालय में बाल संसद का जो है गठन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गया। बिहार के गया जिले में एक प्राथमिक विद्यालय में जो है बाल संसद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार राज्य में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध कब से लागू कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर 2018। 23 दिसंबर 2018 से जो है बिहार राज्य में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार कैडर के अधिकारी कुंदन कुमार को किस केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव जो है नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में जो है बिहार कैडर के अधिकारी कुंदन कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, निजी जमीन पर तालाब खोदने पर राज्य सरकार द्वारा कितना सब्सिडी दी जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80%। निजी जमीन पर तालाब खोदने पर जो है राज्य सरकार द्वारा 80% जो है सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस जिला के किसान ने मोदी टू नामक आम की एक नई किस्म का जो है इजाद किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। भागलपुर के किसान अशोक कुमार चौधरी ने मोदी टू नामक आम की एक नई किस्म का जो है इजाद किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस बिहारी को हाल ही में प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य। प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य को प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में बिस्कोमान भवन का अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को बिस्कोमान भवन के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उनियन बांका का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्नयन विहार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उन्नयन बंगा का नाम बदलकर जो है उन्नयन विहार रखा गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत तीन पहिया और चार पहिया वाहन की खरीद पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50%। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत तीन पहिया और चार पहिया वाहन की खरीद पर जो है 50% की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार में किस वर्ष से इलेक्ट्रिक कारें जो है चलने लगेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2020। बिहार में 2020 यानी अगले साल से जो है इलेक्ट्रिक कार चलने लगेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, लड़ाकू विमान में युद्ध मिशन पर जाने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ पहली महिला पायलट बन गई है, यह बिहार के किस जिले से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दरभंगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ बिहार के दरभंगा जिले से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों का नंबर प्लेट किस रंग का लगाने का जो है आदेश जारी किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरा। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों का नंबर प्लेट जो है हरा रंग का लगाने का जो है आदेश जारी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य में सभी प्रकार के आपात सेवा के लिए सरकार द्वारा कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 112 यानी 112। बिहार में सभी प्रकार के आपात सेवा के लिए जो है सरकार द्वारा 112 टोल फ्री नंबर जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार के किस सीट पर नोटा का जो है सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में गोपालगंज सीट पर जो है नोटा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार के किस शहर को हेरिटेज सिटी बनाने को मंजूरी मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोधगया। बिहार के बोधगया को हेरिटेज सिटी बनाने को जो है मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में राज्य के कितने जिलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13। हाल ही में राज्य के 13 जिलों को जो है तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, किस बिहारी को भारतीय बॉक्सिंग टीम का प्रबंधक बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजीव सिंह। राजीव सिंह को जो है भारतीय बॉक्सिंग टीम का प्रबंधक बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, किस थीम पर पटना जंक्शन को सजाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार ज्ञान की भूमि है। बिहार ज्ञान की भूमि है, इस थीम पर जो है पटना जंक्शन को सजाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना जो है खोला गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना जो है खोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में विमोचित भोजपुरी भाषा की पत्रिका संजवत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रैमासिक। हाल ही में विमोचित भोजपुरी भाषा की पत्रिका संजवत जो है एक त्रैमासिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पटना जोन के एटीएम की सुरक्षा के लिए महिला गार्डों की जो है तैनाती करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी SBI। पटना जोन के एटीएम सुरक्षा के लिए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महिला गार्डों को जो है तैनात करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है,
और ये इस वीडियो का आखिरी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में पटना का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 318। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में पटना का जो स्थान है वो है 318 और बिहार में सर्वोच्च स्थान जो है मुंगेर का है 217वां। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।